So, after 3 weeks, फिर से अपना ट्रैकिंग स्टार्ट. बहुत ही उम्दा नज़ारे. ऑल थैंक्स टू दिस यंग मैन मिस्टर थुतेन गोम्बू, जो पहले भी एक बार ट्रैक कर चुके हैं इस रूट में. सिंह ऋषि, कैसा लग रहा है आपको ट्रैकिंग? बहुत मजा, एक ख्वाहिश पूरा हो गया आज. यह पहला ट्रैकिंग हम तीनों का पहली बार. अब बज चुका है दिन का 7:42. हाँ, सो हमने अपना ट्रैकिंग शुरू किया था 6 बजे, एंड वी हैव कवर्ड हाफ वे. फोटोग्राफी के लिए जितने भी फोटोज हैं आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएगा. यह है व्यू, वहां से आया था. वो कितना सुंदर व्यू है. सो आई एम विद माय न्यू पार्टनर एंड दिस रोड इज लिटिल डेंजरस बट आई गेस दे गोना मेक इट. या one marriage and another one. Okay, mangi gira chuko sunda please gear. He made it. Yes. Oh my god. So ab ye another tea break ke liye rukte hain. Bas almost pahunch gaye hum yahan pe. इसके पीछे हमारा झरना. सो हम चाय पीते पीते तक आपसे भी इस टाइमलेस का मजा लें. हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था और ये पहाड़ चढ़ते चढ़ते यहाँ से आते अब हम अपने मंजिल पर पहुँच चुके हैं. यह है जो झरना जिसके लिए हम इतना दूर सुबह 6 बजे से ट्रैक कर रहे हैं. और अब समय हुआ है सुबह का 9:18. यह है 9:18 और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं. ये पहला झरना, ये दूसरा, इसी के साथ में तीसरा, चौथा और ये पांचवा. और फिर वहाँ पे एक छोटा सा इगारा है. तो इस सारा झरना का पिक आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मिल जाएगा. सो अब ये ट्रैकिंग करते करते हम उस झरने को छोड़ के थोड़ा और ऊपर आए ताकि यहाँ पे एक झील है जिसे हम सो कहते हैं उसका व्यू ले सके. सो हियर्स द व्यू ऑफ द माउंटेंस और इसके पीछे ही वो झील है. और दिन के बज चुके हैं 10, टाइम हो चुका है 10:12. सो सुबह 6 बजे हमने ट्रैकिंग शुरू किया था और फाइनली जाके वी हैव रीच्ड हियर. ये रहा जेल. सो
और यहाँ के जो लोकल्स हैं, मीन्स जो जंग एरिया के लोग हैं, उनका मानना है कि इसके सामने आके अगर आप ज़्यादा चिल्लाओगे या यहाँ पे कोई गंदगी करोगे तो मौसम ख़राब हो जाता है। एंड पहले का मानना है कि ये झील में काफ़ी लोग डूब के मर भी चुके हैं, सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो अब मेरा दोस्त यहाँ पे कुछ हम लोकल अगरबत्ती लाए थे उसे जलाएंगे, और ये रहा व्यू वो झील जिसके लिए हमने इतना लंबा 4 घंटे का ट्रेक करके फाइनली वी हैव सक्सीडेड। लुक कितना क्लियर है पानी, और ये शायद ये सारे ग्लेशियर का पानी है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सो वी आर इन द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 11,000 to 12,000 feet, क्योंकि ये एरिया जो लगभग मेरे हिसाब से सेला पास के बराबर है। सो जो कोई भी नेचर को पसंद करता है, लैंडस्केप पसंद करता है, ही नोस द हैप्पीनेस जब यहाँ पे पहुँचते हैं हम। सो यहाँ पे कुछ दिया चलाते हैं तब तक।